वेल गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक कमाल का यूट्यूब इंट्रो, सेम जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। सो बी हियर, स्टे हियर, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस इंट्रो को बनाने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। पहला पिक्सल लैब, जिसका थोड़ा सा यूज है, और बाकी का जो काम है हम काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। So, यहां पे आपको राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का एक लाइन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहां इमेज साइज पे क्लिक करना है। यहां से आपको कस्टम पे क्लिक करके आपको YouTube थंबनेल को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहां ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स दिखेगा, इस पे आपको डबल टैप करना है, और यहां पे आपको अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। सो यहां पे मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर लेता हूं। नेम टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहां डन पे क्लिक करना है। देन आपको यहां ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस नेम को यहां पे लाना है, फिर हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहां राइट साइड में ए वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको यहां स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहां पे आपको एवी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे बहुत सारे आपको फॉन्ट दिख जाएंगे, बट आपको यहां माई फॉन्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आज जो हम फॉन्ट यूज करने वाले हैं, ये आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहां फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करके फॉन्ट को ऐड कर लेना है। इनकेस आपको यहां फॉन्ट ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और फॉन्ट को इजीली ऐड कर सकते हैं। सो यहां से जो मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूं, इसका नाम है डिफ्यूज्ड फॉन्ट, जो कि आपको यहां नीचे मिलेगा। सो यहां से आपको इस फॉन्ट को सेलेक्ट करके यहां ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, जो हमने चैनल नेम ऐड किया, इसके कलर को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में ऊपर यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ से जिस भी कलर को चाहें चूज कर सकते हैं। वैसे आज हम यहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर को यूज किए हैं। सो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये कलर आपको मिल जाएगा। सो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको इस नेम को थोड़ा सा छोटा करना है, और हमें इस फ्रेम के अंदर बीचों बीच अलाइन करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है नेम को। देन आपको इसी ए वाले सेक्शन में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ और यहाँ क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक करने पे ये जो है ऑटोमेटिकली इस फ्रेम के अंदर बीचों बीच अलाइन हो जाएगा। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, हमें इसके कलर को, जो बैकग्राउंड है, इसके कलर को ब्लैक करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कलर पे क्लिक करना है। जैसे आप कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलर का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ ग्रेडियंट वाले पे नहीं, बल्कि आपको यहाँ कलर वाले पे टैप करना है, और यहाँ से आपको ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो कुछ इस तरीके से बनाने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऊपर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको डायमेंशन में कस्टम मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, पिक्सल लैब का सफर हमारा यहीं तक था। अब हमें अपने मोबाइल पे काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। वेल गाइज, अपने मोबाइल पे काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से ब्लैक कलर वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ से बैक हो लेना है। फिर आपको जो अभी अभी पिक्सल लैब से नेम आप बना के सेव किए, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ अपनी गैलरी से ऐड कर लेते हैं। वेल, अपनी गैलरी से उस नेम को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ बैक हो लेना है। देन आपको फिर से यहाँ इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर से आपको ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, फिर जो हमने पिक्सल लैब से नेम बनाया वो सेलेक्ट किया, फिर से हम लास्ट में जो है ब्लैक कलर को सेलेक्ट किया। यानी यहाँ पे तीन जो है फाइल को ऐड करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से करने के बाद सिंपली आपको इस प्लेहेड को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो गाइस, यहाँ से हम एक टेम्पलेट ऐड करने वाले हैं। सो जो इंट्रो टेम्पलेट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको भी अपनी गैलरी से ऐड कर लेना है। वेल, अपनी गैलरी से इंट्रो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है। देन आपको इसे फुल स्क्रीन पे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, फिर से आपको इस इंट्रो टेम्पलेट को यहाँ टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है।
सो गाइस जितना करने के बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम दो ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करेंगे, पहला स्पीड टर्न, दूसरा एक्सलरेशन। ये दोनों ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ स्टोर में मिलेंगे। सो सिंपली आपको यहाँ स्टोर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको दोनों ट्रांजिशन मिल जाएंगे, स्पीड टर्न और एक्सलरेशन। सो बारी बारी से हमें इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ स्पीड टर्न पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा हूं, तो ये यहाँ हाईलाइट नहीं हो रखा है। सो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, देन आपको यहाँ बैक हो लेना है, फिर आपको यहाँ से एक्सलरेशन पे क्लिक करना है और इसे भी यहां से इंस्टॉल कर लेना है। सो इंस्टॉल दोनों को करने के बाद सिंपली आपको यहां बैक पे क्लिक करना है, देन आपको यहां क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो यहां पे अब आपके दोनों ट्रांजिशन जो होंगे वो शो होने लगेंगे। सो सबसे पहले वाले प्लस आइकन पे आपको यहां स्पीड टर्न पे क्लिक करना है और यहां से पहले वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां दूसरे वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको यहां एक्सेलरेशन पे क्लिक करना है और यहां से थर्ड नंबर वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। सो इतना करने के बाद यहाँ पे हमें अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। सो बड़ा करने के बाद दोनों फिंगर से सिंपली आपको इसे स्ट्रेच कर लेना है, देन आपको यहाँ पहले वाले ब्लैक कलर का इमेज जो है उसे सेलेक्ट करना है और इसे ड्रैग करके आपको कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करना है, लाइक दिस। थोड़ा सा और हम आगे की तरफ करेंगे जब तक ये फ्लेम जो है खत्म नहीं हो जाता। कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम इस वाले इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से छोटा कर देंगे, लाइक दिस। और यहाँ से इस वाले इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब गाइज हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ आपको कॉर्नर में राइट पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे कि जो हमारा नेम है वो सही जगह पे सही प्लेस पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको टाइमिंग का हेर फेर होगा, उसे एडजस्ट करना होगा। सो सबसे पहले हम इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि आपने देखा हमारा जो नेम है वो थोड़ा बाद में आ रहा है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे पहले वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और इसे ड्रैग करके थोड़ा पहले कर देना है, फिर आपको फिर से यहाँ प्ले करके एक बार देख लेना है कि आपका जो नेम है वो सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ राइट पे क्लिक करने के बाद एक बार मैं फिर से इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी थोड़ा लेट आ रहा है। सो यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आगे की तरफ। और चलिए अब फाइनली फिर से हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। वेल गाइज ये अभी सही टाइम पे आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो कोई दूसरा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट में अपने चैनल का यूआरएल भी ऐड कर रखा हूँ। सो इसके लिए सिंपली आपको इस प्लेहेड को यहाँ लाना है जहाँ से आपका नेम शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप कोई टाइटल, स्लोगन या फिर कोई दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं अपना यूआरएल टाइप कर लेता हूँ चैनल का, youtube.com/technology489। सो यहाँ पे URL ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, देन आपको इसे ड्रैग करके यहाँ नीचे की तरफ लाना है, और नीचे की तरफ लाने के बाद हमें इसके अंदर एनिमेशन ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिलेगा लेटर बाय लेटर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, लाइक दिस। देन आपको यहाँ से इसकी लेंथ को यहाँ कम करके एग्जैक्टली जो आपके टेम्पलेट का लेंथ है उसके बराबर कर देना है, आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस कुछ इस तरीके से करने के बाद फिर से आपको जो दूसरा टेक्स्ट आपने ऐड किया उसको सेलेक्ट करना है यहां टाइमलाइन में, देन आपको यहां स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पे आपको आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहां पे हमें स्क्रॉल करके फिर नीचे आना है और यहां पे आपको स्केल डाउन करके एक एनिमेशन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहां से इसकी टाइमिंग को लास्ट तक कर देना है कुछ इस तरीके से, देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहां पे हमारा इंट्रो कंप्लीटली बन चुका है। चलिए इसे मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूं। सुबह जैसा कि आपने देखा हमारा इंट्रो काफी शानदार बना है। सो इंट्रो बन जाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ राइट कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ से जिस भी रेजोल्यूशन में चाहे इस इंट्रो को सेव कर सकते हैं। वैसे अक्सर मैं यहाँ से 1080p में सेव करता हूँ। बिट रेट को आप यहाँ से हाई रखें ताकि अच्छी क्वालिटी मिले, देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस होप कि अब आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल सा इंट्रो बनाना सीख गए हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।